मध्य रेलवे द्वारा जो माथेरान और नेरल सर्विसेज मानसून के बीच में 8 जून से सस्पेंड की गई थी, वो आज 6 नवंबर से वापस से शुरू की गई है। इन सर्विसेज को इस दरमियान सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी सारी चीज़ें की गई है, जैसे कि यहाँ पे पहले जो स्टील ट्रफ ST स्लीपर्स हुआ करते थे उनको रिप्लेस करके उनकी जगह पे सीमेंटेड कंक्रीट वाले स्लीपर्स लगाए गए हैं। ये लगभग हर किलोमीटर में 1340 स्लीपर लगाए जाते हैं, वो सारे स्लीपर्स चेंज किए गए हैं। उसी के साथ में 50 पाउंड्स की रेल यहाँ पे लगी हुई थी, उस रेल को रिप्लेस करके उसको 66.3 पाउंड की रेल से रिप्लेस किया गया है। उसके बाद में यहाँ पे लगभग 236 कर्वेचर्स हैं, उन कर्वेचर्स को भी जहाँ जहाँ संभव हो वहाँ वहाँ पे ईज आउट करने का प्रयास किया जा रहा है। उनके साथ ही हम लोगों ने जो टनल्स बने हुए थे उन टनल्स में भी इनकी जो हाइट है वो कम करके उसमें भी हम लोगों ने PSC स्लीपर्स लगाए हैं। उसके साथ इनके अलावा जो बाकी की सिस्टम्स हैं उनका भी अपग्रेडेशन किया है, जिसके चलते सेफ्टी और सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से अपग्रेड हो और यात्रियों का जो प्रवास है वो और ज़्यादा सुकर हो। इस प्रवास के अंदर लगभग 750 मीटर का एलिवेशन यात्रियों को मिलता है। नेरल की जो मीन सी लेवल से हाइट है वो लगभग 50 मीटर है और माथेरान की जो हाइट है वो 803 मीटर है, तो लगभग 750 मीटर का है। ये यात्रा 2.5 घंटे की यात्रा है, इसमें फर्स्ट क्लास और उसी के साथ में सेकंड क्लास के टिकट यात्रियों के लिए अवेलेबल हैं। इसमें नेरल से लेके माथेरान तक प्रतिदिन 2 अप और 2 डाउन गाड़ियां चलती हैं। इनके अलावा अमन लॉज से माथेरान के बीच में वर्किंग डेज में वीक डेज में 6 शटल चलती हैं और सैटरडे और संडे को 8 सर्विसेज चलाई जाती है। इन सारी सर्विसेज में यात्रियों का जो रिस्पांस रहा है हमेशा से बहुत अच्छा मिला हुआ है और हम लोग आगे भी आशा करते हैं कि रेलवे ने जो ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में अपग्रेड किए हैं उनके चलते यात्रियों की जो सुख सुविधाएं हैं और जो प्रवास है वो और सुरक्षित और सुविधाजनक होगा।